गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, अपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। तो गाइस जो आपने शुरुआत में यहाँ पे वीडियो देखी काफ़ी ज़्यादा वायरल है रील्स के ऊपर, एंड आप उस टाइप की रील्स बना के रील्स पे अपलोड करोगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ सकते हैं एंड आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने कैसे उस टाइप की वीडियो की एडिटिंग करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। बट उससे पहले दोस्तों वीडियो को पूरा आपने लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अपनी फोन की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपने वेन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हमारा ऐप ये है, इसको हम ओपन कर लेंगे। देन दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन आपको मिल जाएगा नीचे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे आना है, फोटो पे क्लिक करना है। देन आप जिसकी भी फोटो को एडिट करना चाहते हो, आपने वीडियो बनानी है इस टाइप की, तो उसकी आपने सिर्फ एक फोटो को ले लेना है। तो यहाँ पे मैं एक फोटो को ले लेता हूँ, निशान पे क्लिक कर देंगे ये वाले, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे जो ब्लैक सा पार्ट है इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, और ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करके 90/16 सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से नीचे क्रॉप पे क्लिक करके 90/16 सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे भी। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके लेंथ को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है मैं आपको बता दूँ, अगर दोस्तों यहाँ पे आप अगर कट लगाना चाहोगे, अगर आपने कहीं पास में कट लगाना है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कट लगाओगे तो कहीं कहीं पे दोस्तों कट नहीं लग पाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कहीं दूर, जैसे हमने कहीं पास वो बीट जो है पास में आ गई, तो अगर पास में कट लगाओगे तो कट नहीं लगेगा। इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। आपने दोस्तों क्या करना है, इसके लेंथ को बढ़ा के थोड़ी सी लेंथ को बढ़ा देना आपने, और उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेना यहाँ पे, और इस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट हो जाना है। ठीक है, वीडियो आपको एक्सपोर्ट हो रही है तो वेट कर लेना आपने इस पर एक्सपोर्ट करने के बाद। सो गाइस वीडियो एक्सपोर्ट हो गई, फिर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे आके दोस्तों आपने जो हमने वीडियो अपने प्रोजेक्ट बनाया अभी यहाँ पे, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब फोटो को वीडियो के रूप में बना के हम दोबारा इसको इंपोर्ट कर लेंगे वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब इंपोर्ट हो रही है वीडियो अंदर। तो यहाँ पे हो चुका है दोस्तों, ये ब्लैक सा पार्ट डिलीट कर देना है। सो गाइस इतना करने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे कहीं भी अगर कट लगाना चाहो तो कट आसानी से लग जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप लोग, पास में आपने कहीं पे भी कट लगाना तो लग जाएगा। ठीक है, पास में दूर में जहाँ जाओ वहाँ पे, तो मैं आपको दिखा दूँ। अभी म्यूज़िक पे क्लिक करना है, म्यूज़िक पे आना है और प्लस वाला आइकन आपको दी जाएगा, इस पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे आना है और टेलीग्राम चैनल में आपको ये वाली वीडियो मिलेगी, इस पर क्लिक करके ओके निशान पे क्लिक कर देना है। आपको उसका जो म्यूज़िक होगा वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, सबसे फर्स्ट में आएगा यहाँ पे। देन इतना करने के बाद म्यूज़िक बीट्स पे आना है, यहाँ पे कुछ बीट्स मैंने लगा रखी है, आपने इन बीट्स को लगा लेना है। तो सबसे पहले वाली बीट देख सकते हैं आप लोग 0.10 सेकंड पर है, दूसरी वाली जो बीट है 0.48 सेकंड पर है, जो तीसरी वाली बीट है वो है 0.83 सेकंड पर। ठीक है, और जो फोर्थ वाली बीट है देख सकते हैं आप लोग, वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 2.41 सेकंड पे, और जो फाइव वाली बीट है वो 3.38 सेकंड पे, और सिक्स वाली बीट है वो 4.26 सेकंड पे। देख सकते हैं जो सिक्स वाली बीट है वो 4.42 सेकंड पे, ठीक है सॉरी, और सेवन वाली जो बीट है वो 4.93 सेकंड पे, और जो सिक्स वो एट वाली बीट है सबसे लास्ट वाली वो है 5.40 सेकंड पे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पे, तो हमारा म्यूज़िक भी लग जाएगा इस टाइप से। तो इतना दोस्तों करने के बाद यहाँ जहाँ पे आपकी बीट दिख रही है तो वहाँ पे आप आसानी से लगा सकते हो। देख सकते हैं आप लोग, आप कहीं भी यहाँ पे कट लगा लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे कट लगाना है, ये वाली जो बीट है इसके नीचे यहाँ पे कट लगा देना है, और इसके नीचे यहाँ पे कट लगाना है, और इसके नीचे यहाँ पे कट लगाना है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे, तो इस तरीके से कट लगा लिया मैंने। और यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ पे आपने दोस्तों क्या करना है, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको ये दूसरी वाली फोटो दिख रही है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे फ्लिप कर देना है, ऊपर की साइड को कर देना है। ठीक है, एंड इतना दोस्तों करने के बाद ये जो सबसे बड़ी वाली लेंथ आपको दिख रही है इसको आपने क्या करना है, इसको छोटा करते आना है, पूरा आपने छोटा कर देना है, और इसके आपने काफ़ी सारे डुप्लीकेट को बना लेना है। ठीक है, ऐसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट बनाते जाना है। ठीक है, और जहाँ तक ये बीट फैली हुई थी वहाँ तक इसको ऐसी बीट करते करते आपने वहाँ तक इसको कर देना है। मैं आपको एक और दिखा दूँगा कहाँ तक आपने अपने छोटे छोटे डुप्लीकेट करने हैं, कितनी इसकी लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कट दिख रहा है आपको, इतना आपने करना है, तो एक बार मुझे और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पूरा फिट बैठ गया ये, इसी टाइप से आपने यहाँ पे छोटे छोटे को कर लेना है। तो इतना दोस्तों करने के बाद क्या करना है, आपने ये जो पहला वाला है ये जूम करके दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करके थोड़ा सा आपने जूम कर देना है, बाल पर जूम या मुंह पर जूम कर सकते हो, अगले वाले पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथ पर जूम कर सकते हो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप कंधे पर जूम कर सकते हो, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर जूम कर सकते हो, फिर इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे इसके बालों पर जूम कर सकते हो, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसी वे में दोस्तों आपने अगले पे वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे फ्लिप पे क्लिक करना है, एक को छोड़ के एक को फ्लिप कर देना है, एक को छोड़ के एक को फ्लिप करते जाना है,
ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे आपको करके दिखा रहा हूँ इस टाइप से, ये देख सकते हैं आप लोग इस टाइप से। और एक को छोड़ के एक को आप मिरर भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप यहाँ पे मिरर करते आना है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मिरर करने के बाद यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ये भी कर सकते हो, जैसे आपने शुरुआत में किया है। ये देखिए मिरर करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आप वॉच पे जो है कर सकते हो, सॉरी इस टाइप से आप यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे इस तरीके से कर लेना। तो इस टाइप से आप मिरर करके दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग दोस्तों ये होने वाला है, आपने इस तरीके से जूम करते जाना है इसे, जल्दी जल्दी दोस्तों आपने कर लेना है। मैंने आपको पूरा वे में बता दिया है, अच्छे वे में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ यहाँ पे लुक आ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों इसमें आपने यहाँ पे क्या करना है, इन फोटोज़ में इनको दोस्तों पहले तो आपने शुरुआत में लास्ट में आना, जहाँ तक आपका म्यूजिक है वहीं तक अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर लेना है, एक्स्ट्रा हटा देना, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हो चुका है। एंड दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे इनमें इफेक्ट वगैरह का लगाना है, मैं फटाफट से इफेक्ट लगाता हूँ, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ, ठीक है। सो गाइस क्या करना है, आपने ये शुरुआत में आना, शुरुआत में आपने कुछ नहीं करना है, अगले वाले पे क्लिक करना है, एफएक्स पे क्लिक करना है, जिटर वाला लगा देना, लेंथ फुल कर देनी है, ठीक है, यहाँ पे पूरी फुल कर देनी है। अगले वाले पे क्लिक करना है, इसमें आपने लगाना है जूम वाला, मूव राइट वाला लगा देना है। और इसमें आपने छोटे वाले पे कुछ नहीं करना है, अगले वाले पे क्लिक करना है, एफएक्स पे आना है, जिटर डाउन वाला लगा देना, लेंथ फुली फुल कर देनी है, मैंने फुल कर रखी है, ठीक है। फिर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके ब्लैक वाला लगा देना, लेंथ इसकी रख देनी है 0.41 सेकंड, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, जूम पे क्लिक करना है, मूव जूम इन वाला लगा देना है। फिर इस पर आपने कुछ नहीं करना है, इस पर फोटो पे क्लिक करके जूम आउट वाला लगा देना है। ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर आपने ब्लैक वाला लगा देना है, लेंथ रख देनी 0.32 34 सेकंड, ठीक है। अगले वाले पे क्लिक करना है, इस पर जूम पे आना है, मूव लेफ्ट वाला, ठीक है। अगले वाले पे क्लिक करना है, जूम पे आना है, जूम इन वाला, ठीक है। तो इस स्टेप से यहाँ पे आपने करते जाना है, ठीक है। और इसको दोस्तों एक्सपोर्ट कर लेना है, उसके बाद क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करना है, वहाँ पर फिल्टर लगाना है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, पहले एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, फटाफट से, ठीक है। सो गाइस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करना है, मैंने ओपन कर लिया, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, रील्स पे आना दोस्तों, रील्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सर्च बार में आना है, यहाँ पे लिखना URBN, ठीक है, और बान लिखना है, सर्च कर देना है। और जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। आपने दोस्तों क्या करना है, जैसे आपने स्क्रॉल करते हुए आना, और यहाँ पे आपको एक फिल्टर मिलेगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस नीचे आपको ये वाला फिल्टर मिलेगा, देख सकते हैं आप लोग, इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ये सेफ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, स्टोरी पे आना है फिर से, और दोस्तों स्टोरी पे आने के बाद यहाँ पे आपको कैमरा ओपन करना है, इस पर क्लिक करना है, जो हमने यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट करके बनाई थी, तो ये वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ये देख सकते हैं आप लोग। मैं ऑफ कर देता हूँ उसका जो म्यूज़िक है, ठीक है, म्यूज़िक मैंने ऑफ कर दिया। और यहाँ पे आपको ये साइड में मिलेगा ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फिल्टर मिल जाएगा, इस फिल्टर को आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। देखिए फिल्टर ऐड हो चुका है, डन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे हमारी जो वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ किस हिसाब से हमारी जो वीडियो जो बन के आई, ठीक है। तो भाई इस स्टेप से आपकी जो वीडियो बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट जो दिख रहे हैं आपको, इस पर क्लिक करना है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ये जो म्यूजिक है ऑफ है इसको आपने ऑन करके करना है, ठीक है, मैं फटाफट से कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे जो वीडियो आपकी एक्सपोर्ट हो गई है और बन भी गई है, तो गाइस वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे एक मुझे ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है, वहाँ पे एक मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।